नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब कभी भी मुझे ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि भाई मार्केट के अंदर अब गिरावट का संकेत मिलेगा, ठीक है, और गिरावट के संकेत जब कभी भी मिलने शुरू हो जाएंगे, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू आपको समझाना पसंद करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दोस्तों, ये वीडियो का टाइम आ चुका है क्योंकि मुझे डाटा पॉइंट्स के ऊपर सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए जानना, वो क्या इम्पोर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा वीडियो नहीं देखते, वो क्या करेंगे, थंबनेल देखेंगे, थंबनेल के बेसिस के ऊपर अपना माइंडसेट बना लेंगे और उसके बाद वो लोग अपने माइंडसेट उसी माइंडसेट के हिसाब से काम करेंगे और उनको लॉस हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी सिग्नल मिल रहे हैं वो अभी उन सिग्नल्स को मात्र 2 दिन हुए हैं, यानी कि अभी 2 दिन की कहानी है और इन सिग्नल्स को और भी ज्यादा तरीके से परिपक्व या फिर और भी ज्यादा कंफर्मेशन की दे दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, हमको सावधानी जरूर बरतनी है क्योंकि सिग्नल्स हमारे को मिलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है वो भी मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप के देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं और बहुत पहले से मैं आपको बीच बीच में बताता आया हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है। पीई रेशियो जो है वो 32 के अबव चल रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है और मार्केट कभी भी गिरना शुरू कर सकती है, लेकिन उसके पीछे जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, उनका उन कंडीशंस का सिग्नल मिलना जरूरी है। तो वो सिग्नल पिछले 2 दिन से मिलना शुरू हो चुका है। तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये इम्पोर्टेंट है आपकी जानने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। दोस्तों, फटाफट से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, और सबसे पहले मैं आपको पोजीशंस दिखाना चाहूंगा जो मुझे चिंता का विषय लगती है इस मार्केट के लिए। देखिए, चार्ट के ऊपर पुराने वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि 17th ऑफ जुलाई से जो है मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, वो रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। आप पुरानी जाके वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा और उस रेंज के अंदर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट के अंदर जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा, FII जो है बेरिश नहीं हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब तक वहां पर गिरावट नहीं हो सकती। लेकिन लास्ट 2 डेज से क्या होना शुरू हो चुका है, उनकी नई पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, फ्रेश पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना वो समझ लीजिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर हमारे लिए जानना क्या जरूरी है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं FII की, यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ऑप्शंस की पोजीशंस हैं FII की। ये एक बीच में जीरो का सिग्नल मिल रहा होगा, जीरो से नीचे जितना भी चार्ट मिल रहा है वो आपको नेगेटिव पोजीशंस मिलेंगी, जीरो से ऊपर पॉजिटिव मिलेंगी। और इधर भी ऐसे ही है, फ्यूचर्स के अंदर जीरो सिग्नल मिल रहा है, जीरो से नीचे नेगेटिव, जीरो से ऊपर पॉजिटिव। दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर लास्ट 2 डेज से हुआ क्या है कि जब ये डाटा जो है 17th ऑफ जुलाई से ही है, जब से हमारा मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन में गया है और चार्ट के ऊपर हमने उस कंसोलिडेशन की बात जरूर की है। देखिए, अब यहाँ पे दिखा क्या रहा है, इस डाटा को समझ लीजिए पूरा तरीके से। ये डाटा यहाँ से शुरू होता है और ये सारी की सारी जो लाइंस हैं, ये पूरी की पूरी जिगजैग वाली जो लाइंस हैं, तो पूरी की पूरी लाइंस आपकी इस जीरो लाइन के ऊपर है, यानी कि फ्यूचर के अंदर 17th ऑफ जुलाई से लेके आज 17th ऑफ सितंबर है, लास्ट 2 मंथ से फ्यूचर्स के अंदर बड़े प्लेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं गए लास्ट 2 मंथ के अंदर। और आप चेक कर सकते हो, ये एक भी बार इस लाइन में नीचे की तरफ जीरो को क्रॉस करके नेगेटिव दिशा के अंदर नहीं गए, ठीक है। तो ये फ्यूचर्स की पोजिशन है और जिसकी वजह से वो मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखने में सक्षम रह पाए इस लास्ट 2 मंथ से,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हुआ क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से समझिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि पूरा खेल है क्या। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो लास्ट 2 डेज से जो डाटा है, लास्ट 2 डेज से जो डाटा है वो डाटा आपका नेगेटिव होना शुरू हो चुका है और ये एक चिंता का विषय है। देखिए यहाँ पर ये आज का डाटा है और ये कल का डाटा है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो है अब इसको क्रॉस कर चुकी है जीरो लाइन को, ये जो जीरो लाइन है इसको क्रॉस कर चुकी है, यानी कि नेगेटिव बेयरिश पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं एफ आई आई की। ये आपको बात समझनी पड़ेगी और ये आपको माइंड में अपनी बात रखनी पड़ेगी। अब हम ऑप्शंस की बात कर लें तो ऑप्शंस के अंदर तो देखिए वो 17 जुलाई से रेगुलरली ऑप्शंस को शॉर्ट मारे जा रहे हैं और ऑप्शंस का पोजीशंस क्या होता है वो वीकली वीक हर वीक के वीक वो क्लोज भी कर देते हैं। तो ऑप्शंस की पोजीशंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती और रोल ओवर भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शंस की वैल्यू हमारे लिए उतनी नहीं है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शंस की पोजीशंस को भी देखें करंट बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर उनकी ऑप्शंस की पोजीशंस भी आप खुद चेक कर सकते हो कि वो माइनस में तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी हैं उनकी नेट पोजीशंस। ये 80,000 के नीचे ही चल रहा है, ये भी माइनस में, यानी कि शॉर्ट वो फ्यूचर्स में भी हो गए हैं अब 2 दिन से और वो ऑप्शंस के अंदर भी हो चुके हैं। तो ये एक अर्ली साइन है कि अब हमको ये देखना है अगले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, कि क्या वो इन पोजीशन जो ये शॉर्ट पोजीशन हैं फ्यूचर की स्पेशली, क्या वो इंक्रीज करते हैं, इनकी जो फ्रेश पोजीशंस हैं क्या ये इनकी इन पोजीशंस को इंक्रीज करते हैं, तो ये हम अपने को देखने वाली बात है, ठीक है। तो अगर ऐसा मिला अपने को देन डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है, और अगर इन पोजीशंस को क्लोज कर दिया उन्होंने तो देन ठीक है, फिर और भी ज्यादा कंसोलिडेशन में मार्केट जाएगा और वहां पर थोड़ा सा आपको और भी डिले मिल सकता है गिरावट में, ठीक है। तो यहां पर इस बात को ख्याल रखिएगा, ये केवल और केवल एक अर्ली साइन है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सुबह मतलब कल सुबह मार्केट 9 बजे ओपन हुई और आपने यहाँ पे बेयरिश पोजीशन में आनी शुरू कर दी, नहीं, हमको यहाँ पर सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों, लास्ट टाइम यही हुआ था कि मार्केट, अब आप समझ लीजिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम मार्केट 12,000 के आसपास था, मार्केट को 12,000 से लेके और 12,300 के बीच घुमाया गया तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए, तकरीबन वहां पर इस रेंज के अंदर मार्केट 1 से 1.5 महीने तक रहा था। और दोस्तों इस दौरान 1 से 1.5 महीने 1 मंथ का तकरीबन टाइम हम ऑन एन एवरेज अगर लेते हैं मोटा मोटा, तो 1 मंथ का उनको टाइम लगा था और बिफोर क्रैश FII ने जो उनकी नेट पोजीशंस थी वो तकरीबन 70,000 नेगेटिव पोजीशंस बना ली थी, ठीक है, माइनस में 70,000 की नेगेटिव पोजीशंस बन चुकी थी बिफोर क्रैश। तो अभी ये क्या है, अभी जो पोजीशंस बनी है करंट में वो -10,000 बन चुकी हैं, जो कि उनकी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, तो अभी जरूरी नहीं कि वो अभी सडनली मार्केट को गिराना शुरू कर दें, हो सकता है वो कुछ और टाइम भी कंसोलिडेशन करें, लेकिन दोस्तों अगर ये पोजीशंस और भी ज्यादा इंक्रीज होती हैं 10,000 से यहाँ पर 20,000 25,000 इंक्रीज होती हैं और मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहता है, तो दोस्तों ये एक बहुत भारी संकेत रहेगा, मार्केट वहां पर बहुत तेजी से गिरेगा वहां पर, और आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना चाहिए, इन पोजीशंस के ऊपर फोकस रखना चाहिए। देखिए अगर होता क्या है, अगर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अगर मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर रखते हैं और वहां पर उस कंसोलिडेशन के अंदर अपनी फ्यूचर्स की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज करते हैं, तो स्पीड जो होती है ना मार्केट गिरने की वो तो बहुत हाई होती है, जैसे कि हमारी लास्ट टाइम ही हमको मार्च में देखने को मिला था। लेकिन अगर कंसोलिडेशन नहीं होता यहाँ पर और हाथ की हाथ मतलब साथ के साथ इन पोजीशंस का इम्पैक्ट मार्केट दिखाता है, मतलब 10,000 नेगेटिव पोजीशन बनाया, मार्केट गिरा, फिर और नेगेटिव पोजीशन इंक्रीज किया, उसके बाद फिर मार्केट गिरा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा,
वहां पर बहुत स्पीड जो है बहुत स्लो रहेगी, गिरने की बहुत तेजी से नहीं रहेगी। तो ये स्पीड का भी खेल है, और स्पीड का खेल कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हमको देखना है कि मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहती है अगले एक या दो हफ्ते या तीन हफ्ते तक, या फिर गिरना शुरू कर देती है, ये हमको मार्केट ही बताएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमको सिग्नल मिलना शुरू हो चुका है कि FII बेरिश होना शुरू हो चुके हैं, तो हमको यहाँ पर, मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपने को सेल ऑन राइज ही करना चाहिए, और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज को क्लोज भी करना चाहिए। ये एक संकेत है, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर मार्केट क्यों गिरना शुरू हुआ, और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज ही बनता है अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो। अब हम कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको एक और डाटा दिखाएंगे। ये डाटा जो है दोस्तों अगस्त मंथ का है, और यहाँ पर सेप्टेम्बर मंथ का डाटा भी है, अभी 17th of September तक के लिए। अगस्त मंथ में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अप्रैल से लेकर और सितंबर तक, अभी सितंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, इक्विटी कैश का डाटा है ये, और FII का डाटा आप चेक कर लीजिए। FII ने केवल और केवल 16,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था सितंबर मंथ के अंदर, और उसमें से भी आपका 6.5 करोड़ रुपए बंधन अकेला बंधन बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया था। ओवरऑल उनका 10,000 करोड़ रुपए ही मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। तो इस इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, जो कि 10,000 के आसपास है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और जब अगर आपको दिखे कि आउटफ्लो जो है FII का पर्टिकुलरली 10,000 के ऊपर हो चुका है सितंबर मंथ के अंदर, देन डेफिनेटली मतलब ये है कि उन्होंने अपना लॉन्ग पोजिशंस इक्विटी से भी निकाल दिया है। और फिलहाल जो है ये डाटा जो है आपका आज का डाटा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आज जो है, आज भी सेलिंग की है, तकरीबन 500 करोड़ रुपया यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं बिग प्लेयर सितंबर मंथ के अंदर। तो हो सकता है कि इक्विटी के अंदर यहाँ पर सेल ऑफ मिलना शुरू हो अगर सच में मार्केट को गिराना है FII को, तो ये नंबर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इस नंबर के ऊपर भी ख्याल रखिएगा। और अगर इक्विटी के अंदर सेल ऑफ हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन और कंटिन्यू रख सकते हैं 2 से 3 हफ्ते तक। ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। दोस्तों ये सब बातें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट सावधानियां बरतनी हैं, ठीक है। तो क्या सावधानी है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो, ये तो हो गई इक्विटी सेगमेंट और FII के फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट की बात, और तीनों के अंदर जो है FII मुझे थोड़ा सा बेईमान लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा मत समझिएगा कि कल से ही मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। जो लोग ऐसा समझते हैं फिर वो क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी देते हैं, मतलब वहां पर उनको समझ में ही नहीं आता कि मतलब मार्केट कब गिरना शुरू करेगी। मैंने आपको तरीका बताया, ये डाटा पॉइंट्स हैं, इन डाटा पॉइंट्स को मैंने आपको रिकॉर्ड करना भी सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जो लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो वो इन डाटा पॉइंट्स को रेगुलरली कैप्चर भी कर सकता है। अब देखो, एक डाटा पॉइंट और दिखाऊंगा मैं आपको, एक डाटा पॉइंट और क्या दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर जो PE रेशियो है ना, वो PE रेशियो दोस्तों बहुत ही हैवी है, ठीक है, बहुत ही हैवी है। वो क्या है PE रेशियो, हम दिखा देते हैं आपको, NSE की वेबसाइट के ऊपर ही है यहाँ पर, ये लो जी आ गया, ठीक है। PE रेशियो दोस्तों 30 के ऊपर माना जाता है, 30 के ऊपर हमको ऐसा माना जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यू होती है, वहां पे मार्केट क्रैश करना चाहिए। लेकिन सेबी के रूल्स के हिसाब से, जो सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के बेसिस के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं दोस्तों 24 सितंबर को ओवर हो सकती हैं। मतलब ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी 24 सितंबर के बाद, ये तो सेबी ही बताएगा, लेकिन अभी तक का जो टाइमलाइन है 24 सितंबर तक ही है शॉर्ट सेलिंग बैन की, ठीक है। तो अब 30 के आसपास जो आता है तो वहां पे मार्केट क्रैश होना चाहिए, लेकिन क्रैश नहीं हुआ सेबी के
हेल्थ से, लेकिन अभी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, 33 के आसपास पहुंच चुका है, और ये हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट एवर पीई रेशियो है जो कि 33 के आसपास दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये भी एक चिंता का विषय है, अगर यहाँ पर गलती से भी सेबी ने अपना शॉर्ट सेलिंग बैंड हटा दिया, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बुरा हाल होने वाला है मार्केट का, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि उनकी जो नेट पोजीशंस मैंने आपको जो दिखाई, वो नेट पोजीशंस इंक्रीज हो रही हैं पर डे बेसिस के ऊपर या फिर नहीं हो रही हैं, ये बात का ख्याल रखना है। और मार्केट उसके ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहा है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है और पोजीशंस इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि बहुत बुरी तरीके से गिराएंगे मार्केट को, मौका नहीं देंगे किसी को भी, और अगर मार्केट हाथ की हाथ गिरता है, मतलब पोजीशंस बन रही हैं फिर नेक्स्ट डे गिरता है, फिर पोजीशंस बनती हैं फिर नेक्स्ट डे गिरता है, तो मतलब मार्केट स्लोली स्लोली गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। अब हमको ये देखने वाली बात है कि ये पिछली तरीके से जब मार्केट गिराया था वैसे गिराते हैं या फिर इनका एक नया अंदाज होता है मार्केट को गिराने का, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, सेल ऑन राइज ही बनना है, और अपने लॉन्ग साइड की पोजीशन जो भी लॉन्ग पोर्टफोलियो हैं आपके, वो सब के सब डाउन क्लोज कर दीजिएगा। देखिए 2 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि 2 मंथ के अगर कंसोलिडेशन हो चुका है तो वहां पर 20% कम से कम आपका गिरावट आनी चाहिए, ठीक है, अपने पीक से जो पीक अभी है 11,800 का है फिलहाल करंट मार्केट के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब गिरावट कंटिन्यू रहती है या फिर अभी और कंसोलिडेशन, अगर 1 मंथ और लेते हैं कंसोलिडेशन में, तो यहाँ पर 15 से 17 अक्टूबर के आसपास गिरावट चालू हो सकती है, और ये डिपेंड करेगा कि सेबी के रूल्स और भी ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं वो शॉर्ट सेलिंग के बैन को लेके या फिर नहीं करते, ये भी डिपेंड करेगा। तो अगर टोटल मिला के 3 मंथ यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है और इन 3 मंथ के अंदर जो भी उसका मार्केट का हाई होगा वहां से आप लगा लीजिएगा, 3 मंथ मतलब टोटल 30% की करेक्शन मार्केट के अंदर, ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ और ये वीडियो मौजूद भी रहेगी, ठीक है, ये सब रूल याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारी बातें बता दी, सेल ऑन राइज ही बनता है, ठीक है, लॉन्ग साइड के जो भी पोर्टफोलियो हैं वो सब क्लोज कर दीजिएगा, अर्ली साइन है, बहुत अर्ली साइन है, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं, पैनिक नहीं होना कि भाई सुबह से ही मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है, एंड यू विल हैव द टाइम, मतलब देखो अपनी लॉन्ग पोजिशन क्लोज करने का ना टाइम देगा आपको मार्केट, ऐसा नहीं है नहीं देगा, देगा जरूर, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब टाइम आ चुका है अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन को क्लोज करने का, साथ के साथ आपको अपने डाटा के ऊपर भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा डेली बेसिस के ऊपर, ऐसा नहीं कि सुबह हुई और मतलब त्राहीमाम हो गया, ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर, मार्केट हर किसी को निकलने का जरूर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें और क्या क्या बातों का ख्याल रखना है आपको भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये अभी अर्ली साइन है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अर्ली साइन है, ये साइन और भी ज्यादा मजबूत होते हैं अगले आने वाले दिनों के अंदर, तो यहाँ पर बहुत चिंता का विषय आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।